मैं यही कहना चाहूँगा कि हम सबको जब भी हम कोई काम या कोई कार्य करते हैं, कोई शुभ कार्य, तो गणेश जी की हम उनको स्थापित करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, फिर माँ का आशीर्वाद लेते माँ का आशीर्वाद लेते हैं। ये जो बार बनी है वो माँ के आशीर्वाद से ही बनी है, इनफैक्ट माँ के आशीर्वाद से क्या, वो माँ के हाथ से ही बनी है। वो देखो बैठी वहाँ पे हमारी मातेश्री। तो ये बार का ईजाद या बार की ईजाद, हाँ, इनके थिंकिंग से हुई थी, बिकॉज हम दोनों बेसिकली ये प्रोटीन पाउडर्स और बार्स वगैरह बहुत खाते हैं, ऑफकोर्स बिकॉज हम लोग इतने यू नो फिटनेस को लेकर बहुत ही सीरियस है। यू नो वी बिलीव दैट अ फिट बॉडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट ओनली फॉर जो काम करते हैं इंडस्ट्री में, आई थिंक आउट ऑफ द इंडस्ट्री वैसे भी, एनीवेज यू शुड बी टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ। बेसिक फिटनेस बहुत ज़रूरी होती है, और हम लोग ऑफकोर्स बिकॉज आर बॉडी नीड्स टू लुक, जो दिखता है वही बिकता है। तो हाँ, तो मैं मील्स के बीच में भूख लगती थी तो हम बार्स बहुत खाते थे। तो एक दिन मम्मी ने कहा कि यार तू ये आर्टिफिशियल चीज़ें क्यों खाता है, हाँ ये पेट ख़राब होंगे, इसमें पता नहीं क्या क्या है, प्रिजर्वेटिव्स है, ये है वो है, जो बात सही है। यू नो ये पहले थोड़ी थे धर्मेंद्र के टाइम से या संजय दत्त जी के टाइम से, यू नो देयर वाज नेवर दिस काइंड ऑफ पाउडर्स और बार्स और व्हाटएवर। एंड यू नो इट्स अ वन थिंग आई हैव नोटिस्ड, ये हर पेरेंट्स की बात यही होती है, अगर हम बाहर बर्गर खाते नहीं इससे अच्छा तो हम घर बना लेंगे, एंड इट्स नेवर द सेम। और अगर हम कुछ सैंडविच खाते हैं, नहीं पैसे खराब करते हो इससे अच्छा हम घर बना लेंगे। बाहर की भी बात यही थी, इतना पैसा खराब करते इससे अच्छा हम घर बना लेंगे, उसे तो बनाओ फिर। तो बहुत रिसर्च के बाद ऑफकोर्स हम दोनों ने बहुत उनके साथ भी हेल्प किया कि क्या इंग्रेडिएंट्स क्या होने चाहिए, न्यूट्रिशन फैक्ट्स क्या होने चाहिए, ताकि not only me or not only her, I think everybody should avail of this kind of a nutritious bar. तो बहुत टाइम लगा, साल भर ऐसा कुछ लगा सब चीज़ें देखने में, करने में, फैक्ट्स जोड़ने में, एंड देन वी मेड द रियली आई वुड मतलब मैं ना आई स्वेयर बाय द मोस्ट डिलिशियस बार, यू नो इट इज। एंड देयर इज टू डिफरेंट टाइप्स, एक तो है हेल्थ बार, तीन बेबी, थर्ड वन वी हैवंट टॉक्ड अबाउट, आप बताएंगे। तो एक तो है नॉर्मल रेगुलर बार, जो मतलब आप खा सकते हो, आपके बच्चे खा सकते हैं, मम्मी पापा दादा दादी मतलब फ्रॉम एज 5 टू 60 70 कैन ईट दिस, इट्स सो न्यूट्रिशन एंड सो ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक मतलब नेचुरल। इसमें बादाम, कैशूज यानी कि सेसमी सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, वॉलनट्स, और जो मीठा फैक्टर है इसमें, द स्वीट फैक्टर इज जस्ट वन खजूर, एक डेढ़, मतलब मैं प्राउडली कह सकता हूँ, है ना, एंड इट्स रियली यमी, मतलब अगर रात को अगर आपको मीठा खाने का मन करे ना, यू कैन रियली हैव दिस। सेकंड वन इज, तो एक तो ये है जिसमें करीबन 10 ग्राम प्रोटीन है, और वो प्रोटीन भी आपको अपने बादाम, काजू, वॉलनट से मिलता है। एक है 25 ग्राम का प्रोटीन, जो कि हम जैसे लोगों के लिए है ना एकदम, अगर हार्ड कोर जो जिम जाते हैं उनके लिए, उनके लिए ये बार है। तो एक 25 ग्राम का है, एक 10 ग्राम का है, और प्रोटीन इज नॉट द ओनली थिंग दैट मेक्स यू want to buy this bar, it's the energy factor, the carbs factor, everything about it is jo aapko body ko chahiye usme ye aapko milega. Ye dekhiye pure superfood se bana hua, and completely I matlab thok ke bol sakte hain completely natural. Aur ek teesra type ka mummy ne aur TJ ne, ye dono ne inhone ijaad kiya hai, is a pregnancy bar. Because log hamesha poochte the ki kya pregnancy ke time kya khate ho, and mera kuch ज़्यादा फ्राइड फूड तली हुई चीज़ को मन नहीं कर रहा था, सो जैसे पंजीरी बनती है, मेरी मम्मी पिन्नी बनाती है, सो समझो इट्स पिन्नी इन अ बार, सो इट्स ऑल द थिंग्स, बट अपने थोड़े इंडियन इंग्रेडिएंट्स है इसमें जो प्रेगनेंसी के टाइम हमें बहुत काम आते हैं, प्रेगनेंसी के बाद भी। सो आई एट दिस द होल टाइम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मैंने ये बार्स खाए थे, स्पेशल प्रेगनेंसी बार्स। So that's the third one that we're launching. The three types. Excuse me. किस तरीके से इसका आइडिया आया कि किस तरीके के कलर बॉक्स खुद बनाते हैं और मार्केट में लेकर वो मार्केट में लाने का एक्चुअली पूरा श्रेय ये जो IHF के ओनर है मनीष गांधी और सुमित गांधी और उनकी जो वाइफ है बबल्स बलबीर, उनकी वजह से आया। हम तो पिछले 2 साल से बना रहे हैं, हमारे दोस्तों को दे रहे हैं, हम दिवाली के टाइम सबको दे रहे हैं बॉक्स, दिवाली के बॉक्सेस होते हैं ना, तो हम ये बार बना के देते हैं ऑर्गेनिक हेल्दी बार। ये कहाँ मिलते हैं, मम्मी के किचन से मिलते हैं। You know, in fitness, 80% of the
यू डू इज योर डाइट. कहते हैं हम जिम जाते हैं, वापस आके समोसे खाते हैं, लड्डू खाते हैं, सोचते नहीं हम तो वर्कआउट किया आज. इट्स नॉट एनफ. इट्स नॉट एनफ. सही बात है बोले. आपकी बॉडी जिम में नहीं बनती है, आपकी बॉडी किचन में बनती है. जेन्युइनली हां. सो दिस इज रियली गुड फॉर एवरीबॉडी. जिसको कभी भूख लगती है, कभी कुछ खाने का मन करे, या मीठा खाने का मन करे, या कुछ पेट भरने का मन करना, ये खाने के बीच वाली वो जो मील होती है ना, ये वो है. और आप लोग भी मतलब इतना काम करते हो, मतलब कभी इधर जाना, कभी वो इवेंट जाना, इधर धक्के खाना, इधर करना, मस्ती, मतलब इट्स टू मच ऑफ वर्क. समोसा बड़े पाव के अलावा एक बार खाओ, भले समोसा खा लो, लेकिन बीच में मीठा खाने का मन है तो जलेबियां मत खाओ, यू नो, वो बर्फियां मत खाओ. हैव दिस, इट्स रियली टेस्टी, यू नो. लेट मी आप एवरीबॉडी विल ट्राई दिस. ट्राई अ सैंपल प्लीज. ट्राई कीजिए. खाया आप लोगों ने? हाँ, मजा आया कि नहीं? हाँ, ये काजू कतली की तरह नहीं है, एकदम मीठा रहेगा. ओके, बट इट इज नॉर्मल. दिस इज व्हाट योर बॉडी नीड्स. एक्चुअली क्या, मैं ना जोधपुर से, मारवाड़ से हूँ जोधपुर, तो मैं वहाँ से ना मिठाई लेके आती थी, मैं इसको दे खिलाती थी. बिल है मिठाई का, ये बोलते क्या मिठाई मिठाई कर दो, अब ये बनाओ. तो फिर है ना, मैंने कहा कैसे. फिर मेरी बेटी ने भी मुझे इंक्रेज किया कि नहीं मम्मा अभी इसके लिए यही बनाओ. तो वो सब आज 5-6 साल से ट्राई कर रहे थे कि ये कैसे बने कैसे. फिर आखिर में इसने प्रेस मुझे प्रेस किया कि चलो आप बनाओ ये. सॉरी मैं क्या सिंगल्स यानी कि गाने. अरे ये बहुत अच्छा गाती है सच में. आप इनकी पंजाबी गाने सुनिए, दे आर रियली गुड. मैं इसको कब से बोलता हूँ कि आप प्लीज यू शुड, यू नो, यू शुड ट्राई योर हैंड एट सिंगिंग, बिकॉज इट इज, शी इज गॉट अ वेरी ब्यूटीफुल वॉइस. है बच्चों को, आई थिंक जैसे यू नो हर एक्टर सिंगर बनना चाहता है, हर सिंगर एक्टर बनना चाहता है. या तो आई थिंक ऐसे है कि सभी ख्वाहिश रहती है दैट आई आल्सो वांट टू मेक एन एल्बम, हमें भी म्यूजिक वीडियोस बनाने हैं. बट जस्ट टू ट्राई एन डिफरेंट एक्सपीरियंस. आई थिंक करेगी बहुत. आई थिंक 2020 में, और मैं भी आई थिंक थोड़ा सिंगिंग सीख लूंगा, क्योंकि मुझे, मैं बाथरूम सिंगर हूँ. बट अगर मैंने किया, आई वुड डू डिवोशनल सॉन्ग्स, स्पिरिचुअल रिलीजियस सॉन्ग्स आई वुड डू एक्चुअली. थैंक यू. देखो मैं, मेरे लिए है ना बहुत ही एक नया स्पेस है ये. आई मीन सलमान भाई, ही एंडोर्सेस बीइंग फिट है ना, बीइंग स्ट्रांग. हाँ, सलमान भाई बीइंग स्ट्रांग. अरे बीइंग फिट, बीइंग स्ट्रांग, इट्स द सेम थिंग. इट्स बीइंग ह्यूमन का ही पार्ट. आई एम श्योर बीइंग फिट भी ह्यूमन का ही, उन्हीं का पार्ट है. देन रणवीर सिंह एंडोर्सेस प्रोटीन ब्रांड्स, सूरज पंचोली है, टाइगर श्रॉफ है. तो मेरे लिए ये वाला जो, मतलब मे बी मैं जिम या ऐसी चीज़ें ना एंडोर्स करूँ, what I believe in fact what we both believe in, we believe in eating healthy food, and this is what we endorse. And I'm glad that in sabke saath hum logon ne bhi ek aisa kuch start kiya hai jo ki jisme jiska belief hamara rehta hai, jiska jo man se hum karte hain, you know. ye alag hota hai jab hum brand ambassador ban jate hain, paise milte hain, hum bolte hain ha ye khao, ye piyo, ye karo, but ye jo hum khud ke brand ke ambassadors hain, हम बिलीव करते हैं, हम खाते हैं, हम बनाते हैं, हम किचन में बैठ के बनाए हैं ये बार. सो हमें पता है क्या जाता है, और हमने रिसर्च की है कि बादाम का यू नो क्या इफेक्ट होता है, काजू का क्या बेनिफिट्स है. सो वी नो दिस. हम वो चीज़ बेचते हैं जो हम खुद खाते हैं, जो हम खुद बच्चों को खिलाते हैं. एंड आई थिंक जब हम यू नो वन वी आर एक्टर्स, टी वी आर्टिस्ट, हमें एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है टू डू समथिंग गुड. And this is our way of giving back, of doing something good, helping people with good health. And ye baat mehngi bhi nahi hai. It's selling at 100 rupees, so everyone can afford to eat right. No, really, ye wale jo baaz hote hain, 350 ke milte hain, you know. Normal person can't afford it. So we made it very, aur organic cheeze to specially organic ke naam pe to matlab double ho jate, bank khali ho jate hain. Sahi mein. So yeah. So we really kept it very very minimum, you know. Jo hamara कॉस्ट प्राइस है, वही कॉस्ट प्राइस को रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए, वी मेड दिस सो दैट इट्स अफोर्डेबल टू एवरीबॉडी.